हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है लोकेश सिंह जैसा कि आपको पता है हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ को लेकर आए हैं आज के इस सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक होगा वो है प्रलय मिसाइल प्रलय मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ये आगे चल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इंडिया के डिफेंस सिस्टम में चलिए जानते हैं प्रलय मिसाइल के बारे में तो सबसे सब पहली चीज़ इसको जो डेवलप किया गया है वो भारत के डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है ठीक तो है सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है कंप्लीटली इंडियन प्रोडक्ट है ये चीज़ का ध्यान रखिएगा ठीक है तो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की जब बात की जाती है तो वहां पर प्रलय मिसाइल का नाम ज़रूर आना चाहिए ठीक है इंडिया के डिफेंस सिस्टम को लेकर अगर हम लोग देखें कि आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी हमारे पास तो ऑलरेडी इस तरीके की शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स है तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी तो बिल्कुल क्योंकि इससे पहले जो मिसाइल्स बनी थी वो थोड़ा सा पुरानी हो चुकी थी पुरानी टेक्नोलॉजी पर बनी थी इसीलिए हमें इसको अपग्रेड करना ज़रूरी था अगर हम लोग पहले मिसाइल की बात करते हैं तो इसके जो टेस्ट किया गया था वो ए पी जे अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा ए पी जे अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा के कोस्टल रीजन पर पड़ता है इसका पुराना नाम क्या है बहुत ही ज़्यादा फेमस नेम है इसका आपको बताना है ठीक है ए पी जे अब्दुल कलाम की जी के नाम से तो ये फेमस है ही है इससे पहले जो नाम था वो भी काफ़ी ज़्यादा इसका फेमस था और रीज़न केवल और केवल एक ही था क्योंकि डी आर डी ओ वहाँ से क्या करता था रेगुलर बेसिस पर अपनी मिसाइल्स को टेस्ट करता है तो आपको मुझे इसका पुराना नाम बताना है इस आइलैंड का चलिए अगर हम लोग बात करें ए पी जे अब्दुल कलाम जी के बारे में तो नो डाउट आपको पता है इनको हम लोग क्या कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कई बार हो सकता है आपसे पूछा जाए इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे डेवलप करने में अगर किसी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योड़ है तो वो एपीजे अब्दुल कलाम जी का ही है ठीक है ठीक है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया चलिए तो आगे जान लेते हैं हम लोग इस मिसाइल के बारे में तो सबसे पहली चीज ये एक शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है इसकी जो स्पीड इस है वो कितनी होगी वन मैक से लेकर वन पॉइंट सिक्स मैक तक की होगी साथ ही साथ ये सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ होती है मतलब कंप्लीटली सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है इसका ठीक है जो इस तरह से इसके लिए जो ईंधन इस्तेमाल होता है प्रोपलेंट से यहाँ पे मतलब है जो इसमें ईंधन इस्तेमाल होता है ठीक है तो ये कम्प्लीटली सॉलिड प्रोपलेंट ईंधन है जो इसका यहाँ पर इस्तेमाल होता है इसकी जो स्पी इस मतलब सॉरी रेंज जो है इसकी वो क्या होगी वो 150 से 500 किलोमीटर तक की होगी ये डिपेंड करेगा इसके अंदर जो पेलोड है उसके हिसाब से कि पेलोड कितना ज़्यादा है और कितना कम है अगर हम लोग बात करें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम के बारे में तो बिल्कुल मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि इसे एक बार आसानी से क्या किया जा सकता है गाइड किया जा सकता है एंड गाइड करने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए ये अपने आप ही अपने टारगेट को ढूंढ कर क्या कर देगी ख़त्म कर देगी इन केस अगर आपका टारगेट क्या करता है अपनी लोकेशन चेंज करता है या फिर पोजीशन चेंज कर देता है तो ऐसे में भी ये क्या इसको आप एक बार दोबारा गाइड कर दीजिए और ये वापस से क्या करेगी अपने टारगेट की तरफ मूव कर जाएगी आसानी से इसको क्या किया जा सकता है तैयार किया जा सकता है सॉलिड प्रोपेलेंट होने की वजह से इससे पहले की जो मिसाइल्स हैं जैसे कि ये जो रिप्लेसमेंट है ये किसकी रिप्लेसमेंट है ये है पृथ्वी मिसाइल की रिप्लेसमेंट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो हमारी प्रलय मिसाइल है ये किसकी जगह लेगी तो ये जगह लेगी किसकी पृथ्वी मिसाइल की जगह लेगी अब पृथ्वी मिसाइल एक्चुअल में कंप्लीटली जो थी वो लिक्विड प्रोपेलेंट के ऊपर डिपेंड करती थी लिक्विड प्रोपेलेंट की जो मिसाइल्स होती हैं उनको तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये एक सबसे बड़ी दिक्कत थी पृथ्वी मिसाइल का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो कब आया था वो आया था नाइनटीन एट्टी में एट्टी एट में सॉरी नाइन्टीन एट्टी एट में आया था अब नो no डाउट इस हिसाब से भी अगर आप लोग ने अंदाजा लगाएं तो काफ़ी लंबा टाइम गुजर चुका है और अब हमें रिक्वायरमेंट है एक इस तरह की मिसाइल की जिसे हम लोग आसानी से क्या कर सकें तैयार कर सकें तो एक तरह से ये फायर एंड स्केप वाली जो मिसाइल है किस तरह की मिसाइल है फायर एंड स्केप ठीक है तो फायर एंड स्केप है क्या अगर हम लोग फायर एंड स्केप की बात करें तो इसका मतलब ये एक बार आप इसको फायर करने के लिए मतलब आप इसको बता दो कि आपको कहाँ पर क्या करना है अपने टारगेट को हिट करना है देन उसके बाद आप जाकर छुप जाइए अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ये अपने आप ही अपने टारगेट को ढूंढेगी और नष्ट कर देगी यहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स हैं जो इसको गाइड कर रहे हैं उनको यहाँ पे क्या होगा जान का खतरा नहीं होता आराम से इसको एक मूवेबल व्हीकल पे ले जाया जा सकता है अपनी जगह पर और वहाँ से इसको क्या किया जा सकता है फायर किया जा सकता है रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तान ने भी बाबर मिसाइल अभी लॉन्च की थी ठीक है तो उसी का जवाब एक तरह से इंडिया ने जो अपनी तरफ से दिया है वो किसके लिए दिया है वो प्रलय मिसाइल को दिया है के नाम से दिया है ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था पेलोड की क्षमता के आधार पर इसकी क्या हो जाती है रेंज घटती या बढ़ती है तो यहाँ पर जो इसकी पेलोड की क्षमता है वो पाँच से हजार के जी तक है मतलब कितना ज़्यादा वॉर हेड ये अपने साथ ले जा सकती है कितना ज़्यादा वॉर हेड ये अपने साथ ले जा सकती है अगर 500 सौ के जी तक का होगा तो नो डाउट इसकी जो रेंज होगी वो बढ़ जाएगी और हज़ार के जी होगा तो नो डाउट इसकी थोड़ा सा रेंज क्या हो जाएगी अपने आप ही कम हो जाएगी तो प्लीज़ आप हमें रिप्लाई कीजिए और जल्दी से जल्दी हमें ये बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें रिप्लाई कीजिए बताइए कमेंट सेशन में हमको बताइए आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहते हैं थैंक यू सो मच जय हिंद